और किसान ये ना सोचे कि वो अपने नौकरों के और मजदूरों के बलबूते पे किसानी करे। किसान खुद किसान है, वो अपना पसीना डाल करके इस खेत को तैयार करता है। आप खुद देख लो कि जीरो अड़तीसी आपको ऐसा दिखाई देगा कि 15 फीट की लगभग ऊंचाई में खड़ा। नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन अलावता। भाइयों, ये अपने अजहर भाई हैं, आज इनके पास आए हैं और इन्होंने वाकई गन्ना एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचा रखा। और अपने अजहर भाई युवा किसान और सौ की ना खेती का काफ़ी हो, आइए इनसे इनका परिचय लेते हैं और वैरायटी के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार अजहर भाई। नमस्कार अर्जुन जी, और कैसे हो? बढ़िया जी। अजहर भाई, एक तो अपना परिचय दो। जी, मेरा नाम अजहर, मैं पूर्व प्रधान जान मोहम्मद जी का लड़का हूँ। मेरा ग्राम नगला बुजुर्ग पड़ता है, भोपा थाना, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तो अजहर भाई, जैसे ये आपका गन्ना है जी, जबरदस्त गन्ना आ जैसे कहें, ये इसकी बुआई कब किया? बुआई तो लगभग 25 या 26 फरवरी की इसकी बुआई है। अच्छा, 25 या 26 फरवरी की इसकी बुआई है, मतलब फरवरी में ही बो के अपना फिट कर दिया। अच्छा अच्छा, वैरायटी कौन सी है ये? 38 वैरायटी है ये, 0238। जी जी, जबरदस्त। नहीं, वो तो इसमें काम करा हुआ दिख रहा अजहर भाई, इतनी अच्छी यील्ड, मतलब इतना अच्छा नीचे से ब्यास जो होता है टेलरिंग, वाकई एक अच्छा और संपन्न किसान ही ले सके जिसे जानकारी होती है। देख सकते भाइयों, इक्का कांख से कितने जबरदस्त गन्ने हैं, बहुत तगड़ा टेलरिंग से भरा हुआ खेत है। इसके बारे में अजहर भाई से जानकारी लेते हैं। अजहर भाई, इसकी बुआई कितनी चौड़ाई पकड़ रखी है आपने? आप 7 इंच पे देख सकते हो इसकी बुआई है। अच्छा, और आपके सामने है जो भी इसका प्रोग्रेस है। अच्छा जी, तो मैं हाँ बताओ, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसान का एक अपना शौक होता है खेती से, एक उसका लगाव होता है वो किस तरीके से खेती करे। अगर खेती से हमें कुछ मिलेगा तो हम आगे प्रति खेती को बढ़ाएंगे। आज अगर हमारा 0.38 गति को प्राप्त कर रहा है तो हम और बीज क्यों बो, हम 38 बोएंगे। और किसान का अपना एक सपना होता है कि उसकी अच्छी फसल हो, अगर उसकी फसल अच्छी है तो किसान आगे भी फसल करेगा। और किसान ये ना सोचे कि वो अपने नौकरों के और मजदूरों के बलबूते पे किसानी करे। किसान खुद किसान है, वो अपना पसीना डाल करके इस खेत को तैयार करता है। आप खुद देख लो कि 0.38 आपको ऐसा दिखाई देगा कि 15 फीट की लगभग ऊंचाई में खड़ा है। नहीं नहीं, वो ऊंचाई और मोटाई तो शानदार है आपके खेत की। तो इसमें जैसे अनुभवी, देखो छोटी सी उम्र में आपने बहुत अनुभव ले लिया, ये बहुत अच्छा किसान ही कर सकता है इस तरीके से। आप ये बताओ, जैसे इसका शुरू में बुआई करी थी उसमें आपने क्या क्या इसका प्रबंधन करा? देखो, मेरा का जो प्रोसेस है वो हमारे इमरान भाई बता देंगे, क्योंकि हम सभी किसान मिलजुल के खेती करते हैं, तो जो आगे का प्रोसेस बताएंगे हमारे इमरान भाई बता। इमरान भाई नमस्कार। तो इमरान भाई, जैसे भाई ने बताया कि इसमें सब मिलजुल के आप एक मुकाम तक खेती को ले जा रहे हैं, तो इसमें बुआई के टाइम आपने क्या क्या डाला? भैया कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्या नाम, बस 2.5 बीघा हमने इसमें क्या नाम डाई डाली है, पोटाश है। अच्छा जी, तो वही वही नेचुरल जो लगाते हैं वही अपना चला इसमें। अच्छा, कूड़ी का खाद वगैरह आपने लिया। तो ये तो जैसे गन्ना है, ये ऐसा लग रहा जैसे असोज का होया करे, ये तो चाहे आज काट लो मील में पहुँचा दो, इसे तो उस मुकाम तक आपने पहुँचा रखा। देखो, जब किसान की फसल अच्छी हो तो उसका सीना चौड़ा हो जा और अच्छी तरीके से अपना करता है, मतलब आगे भी उससे अच्छा करने की कोशिश करता। तो किसान भाई को आप क्या सलाह देना चाहोगे? बस सलाह तो ये देना चाहिए कि देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, देसी खाद का ज़्यादा, ये देसी खाद का ही कमाल है, जब भी हमारा मिट्टी सुधर सकती है वरना। अच्छा, जितना केमिकल या पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा वो ज़्यादा बेइंतहा हो रहा आज के टाइम में, तो इसे अंदर तक थोड़ा सा दिखवाओ। देख सकते भाइयों, ऐसा नहीं है क्या दोरे पे ही ऐसा खड़ा, ये अंदर तक ही जबरदस्त तरीके का खड़ा, और बारिश होने के कारण ज़्यादा आगे नहीं जा सकते भाइयों। इन तक दिखा दें एक बार, दिखाइयो इसकी पत्ती वत्ती से उतार के इमरान भाई, देख सकते दे। वाकई क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देता भाइयों ने, क्वालिटी तो वाकई जबरदस्त खड़ी है, देख सकते भाइयों, बिल्कुल हष्ट पुष्ट निरोगा गन्ना है। और ऐसे गन्ने में तो अगर फंगस वंगस आवे भी उससे भी निकल के ऊपर चला जा गन्ना।
वही बढ़िया गन्ने पे ज्यादा मार नहीं करता, वो ये है कि वो स्वस्थ शरीर पे और स्वस्थ फसल पे रोग कमी कमी असर कर रहे हैं रोग। तो इमरान भाई आप किसानों को क्या सलाह दोगे? सलाह तो ये देना चाहेंगे कि देसी खाद का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करें और जो और वगैरह। अच्छा, नए बीज के बारे में क्या कहोगे आप 38 के सामने? देखो भैया, नए बीज का तो अभी आए हैं लेकिन उनका पता नहीं सही, लेकिन 38 बीज काफी अच्छा है, इस पर मेहनत करी जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल मेहनत तो है इसमें, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं, मेहनत है इसमें। आने उससे मने नहीं कर रहे कि इसमें और बीजों से ज्यादा मेहनत है इसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, तो और भी खड़े भाई ठुमरे भी रह जाएं, ये रह जाएं कि, लेकिन ये मतलब ज्ञानी किसान ही इस मुकाम तक पहुंचा सकता है इन वैरायटी को। तो ये अपने भाई के विचार थे, भाइयों इन पे अमल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर कोई कमी रहेगी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। धन्यवाद भाई।